किसी गांव में एक मंगू नाम का एक किसान रहता आया। वो खेती बाड़ी करके अपना किसी भी तरह गुजारा करता। उसके कोई ज्यादा कुछ नहीं आया, एक पुराना मकान ते जरूरत का कुछ सामान ते कुछ कुकड़ियां आईया। किसान हर टाइम सोचता रहता, या अल्लाह मैं इतना गरीब क्यों हुआ, मेरे कोल भी कुछ पैसे आ जाऊं ते कितना ही अच्छा होवे, हर दिन इतनी मेहनत बर्दाश्त नहीं होंगी। एक दिन मंगू निंदर से उठा ते कुकड़िया नु दाणा पानी गया। अचानक ही उसकी नजर एक अंडे ते पैंदी है ते ओ सोचता है, ओए ए अंडा इतना चमकदा पिया क्यों है, पहले ते कभी इस तरह का अंडा मैंने नहीं देखा। ओए मेरी ते किस्मत ही बदल गई है, ये ते सोने का अंडा है। मेरे अल्लाह तेने मेरी सुन छोड़ी ते मेरी गरीबी दूर कर छोड़ी। अगले दिन मंगू उस अंडे नु शहर विच एक सुनार की दुकान ते ले जांदा वे। ओ सुनार नु कहंदा वे, इरा मेरे कोल एक सोने का अंडा वे ते मैं उस नु बेचना चाहना वा, मानो उसने कितने पैसे देसे। ए ते बड़ा कीमती है उस्ताद, मैं इस नु जरूर खरीद सा, ए ले पैसे ते सोने का अंडा मनु दे दे। किसान सुनार से इतने ज्यादा पैसे लेके बड़ा खुश होता वे ते बस सोचने लगता वे, वाह मेरे मालिक मेरी ते किस्मत ही खुल गई है, इतना पैसा ते मैंने ख्वाब विच भी नहीं सोचा या। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती ते मंगू उसनों सुनार ते बेच के अपने घर वालियां वास्ते बहुत सारा सामान ले आंदा। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा अमीर हो गया, उसने अपनी जरूरत दी हर एक चीज खरीद ली थी। एक दिन उसका एक दोस्त उसके नाल मिलने आया ते कहने लगा, मंगू पिरा क्या हाल है तेरा, आजकल ते बड़ा टीस्टा पास इस पे फिरना में, इतना बड़ा कार ले छोड़ा भी, कोई लॉटरी लगी है के हाँ। ओए बिल्लू लॉटरी ते बड़ी निकी जी चीज है, मेरी ते किस्मत ही खुल गई है, मेरी एक कुकड़ी है जड़ी रोज सोने का अंडा दे दी है ते मैं ओ अंडा शहर सुनार ते वेच आना वा। ओए वाह मंगू, रोज एक सोने का अंडा, तेरी ते किस्मत ही खुल गई है, बड़े तू ते बड़ा बेवकूफ है, सोच अगर मुर्गी रोज एक अंडा देंदी है ते उस दे पेट उच कितने अंडे हो सुन, तेरी जगह ते मैं होंगा ते एक ही देने ची अमीर हो जांदा, खैर चल मैं जाना हुआ मनु कम ते जाना वे। ये कह के उस दा दोस्त उठो से चला जांदा वे। मंगू वत सोचदा वे, ओए ए ते मैंने सोचा ही नहीं आया, बिल्लो ते बड़े कम दी गल पता आ गया वे। अगले दिन किसान जदों मुर्गी दे कोल जांदा वे ते अंडे नु देख के कहंदा वे, उफ मेरे मालिक अजवा तीक अंडा, हुन मेरे कोलो बर्दाश्त नहीं होगा, आज मैं इस मुर्गी नु जिमा करके सारे अंडे ही काट लेसा। ये सोच के ही किसान छुरी दे नाल मुर्गी दा पेट काट लेंदा वे। जदों मुर्गी दा पेट खाली देखदा वे ते रोने लगदा ते कहंदा, ए मैंने लालच विच के कर छोड़ा वे। देखा बच्चों सानू इस कहानी सी के सबक मिलदा वे कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होंदा, किसी दी गला विच आने से पहले अपने दिमाग दा इलाज जरूर कर लेना चाहिदा।